नमस्कार भाई दोस्तों, जो सिखों के साथ विश्वासघात अपने भारत देश में किया जाता है ना, वो किसी भी देश में किसी भी जगह पे नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है विश्वासघात, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना रहा, वीडियो पूरा सुनने का दम हो तो सुनना, कहीं ये बोलो कि उस नेता का विरोध कर दिया, मेरा किसान नेता, मेरा मजदूर नेता, ध्यान से सुन लेना पहले पूरे वीडियो को, उसके बाद आपको कमेंट करना, आप अपनी राय रख सकते हो बिल्कुल, और कोई भी बात झूठी हो तो वो बता देना, लेकिन आज पूरा सुनने का दम रखना। जो नया साथी जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है और आपकी आंखें खोलने की जिम्मेवारी हमारी है। आपको पता है कुछ दिन पहले एक बलात्कारी को पैरोल मिली थी, उस बलात्कारी को कहाँ भेज दिया गया, यूपी में रहेगा वो 40 दिन तक, वहां पर प्रवचन सुनाएगा, वोट इकट्ठी करेगा, क्योंकि इनको पता था इनका यूपी में टकमगा गया सिस्टम, तो उसको यूपी भेज दिया, बलात्कारी यूपी रहेगा। लेकिन बंदी सिंहों की रिहाई की बात नहीं होगी, बंदी सिंह को बेल भी नहीं मिलेगी, ना उनकी रिहाई की कोई बात कर सकता, कोई बात करेगा तो उसके वीडियो को डाउन कर दोगे, पोस्ट को डाउन कर दोगे। उसको छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी लखीमपुर खीरी के अंदर, सबको याद होगा या भूल गए होगे, एक गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा टैणी, उसका कुपुत्र है, सुपुत्र तो हो नहीं सकता, कुपुत्र ही होगा जो नहीं थे, गरीब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, कुपुत्र है आशीष मिश्रा टैणी। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त 2 महीने की जमानत दे दी है उसको, वो यूपी में भी रह सकता है, दिल्ली में भी रह सकता है, एक हत्यारे को, किसानों के हत्यारे को 2 महीने की जमानत मिल जाती है, और जिनकी सजा पूरी हो चुकी है उनकी हम रिहाई के लिए नहीं बोल सकते, रिहाई के लिए भी नहीं बोल सकते। और सबसे बड़ा कमाल ये देखो ना, उन्होंने कहीं पर आंदोलन किया, ना कुछ रोस मार्च निकाला, ना कुछ किया, एक तरफ तो बोल रहे थे कि हम गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा लेंगे, उसके बेटे को हम बाहर ही नहीं आने देंगे, वो तो बाहर आ रहा 2 महीने के लिए, और यहां पर आपके जो किसान नेता जो रातों रात फैसला करके आए थे टिकैत जी महाराज, यहां पर हरियाणा के अंदर पंचायत पंचायत खेल रहे हैं, पंचायत पंचायत चल रही है यहां पे, कौन सी पंचायत भाई, वहां पे क्या करके आए थे आप लखीमपुर खीरी के अंदर, रातों रात पहुंच के फैसला कर दिया, सबको पता था यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में आ चुकी थी, पूरा देश जग चुका था, पूरे देश को रातों रात सुला दिया एक छोटे से फैसले ने, और आप यहां पर पंचायत करो, शर्म आनी चाहिए, शर्म। आप उत्तर प्रदेश में तो कोई फैसला नहीं करवा सके, हरियाणा के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, हरियाणा के किसानों को क्या संदेश देने आ रहे हो फिर आप, वहां पर तो आपके किसान साथियों को मरवा दिया गया, गाड़ियों के नीचे कुचलवा दिया गया, कौन सी पंचायत भाई, कौन सी पंचायत, पंजाब वाले भी आ रहे हैं उस पंचायत के अंदर, आप किस मुंह से आ रहे हो, यहां पर सभी किसान नेताओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, आप क्या फैसला करके आए थे वहां पे, कौन सा फैसला करके आए थे, वो तो बाहर आ गया आशीष मिश्रा टैणी, तो 2 महीने के लिए एक बलात्कारी है वो बाहर घूम रहा है 40 दिनों के लिए, उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करेगा, एक लोगों का भविष्य बताता है, खुद बोलता है मेरे को अज्ञात हमलावरों ने मारने की धमकी दी है, मेरे को सुरक्षा चाहिए, कौन सी सुरक्षा चाहिए, देश में चल क्या रहा है, मोहाली मोर्चे का कोई जिक्र ही नहीं करता, मोहाली मोर्चे पर फोनों की रिकॉर्डिंग की जा रही है कि ये लोग क्या बात करते हैं, कहां क्या करेंगे, शर्म आती है थोड़ी बहुत, शर्म जो ये अपने आप को नेता करें, कोई किसानों का नेता, कोई मजदूरों का नेता, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए इनको, कौन सा फैसला करवा के आए थे वहां पे, कौन सा फैसला, वो हत्यारा भी बाहर है, वो बलात्कारी भी बाहर है, सभी बाहर हैं, अगर अंदर हैं तो जो कौमी योद्धे हैं, जो अपने कौम के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, मानवता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो जेलों के अंदर हैं, निर्दोषों को जेलों में ठूसा जा रहा है, और जो बलात्कारी हत्यारे उनको बाहर बुलाया जा रहा है, फूलमालाएं पहनाई जा रही हैं, देखना उसका कितना बड़ा स्वागत होगा आशीष मिश्रा टैणी का, सभी देखना, पूरी गोदी मीडिया जाएगी वहां पर, बार बार उसका इंटरव्यू लेगी, अरे गोदी मीडिया थोड़ी बहुत शर्म बची हो ना, तुम वाली मोर्चे पर पहुंच जाओ, एक बार तो चले जाओ, थोड़ी बहुत कहीं पर किसी कोने में कोई शर्म आया बची हो तो, किसी कोने में भी। और नियंग सिंह से भी एक रिक्वेस्ट नियंग सिंह से है, किसी को नेता मत बनने देना, कहीं कोई आए मैं किसान नेता हूं, मेरे को सटेज चाहिए, सटेज मत दे देना, समझौता करके आएंगे ये, समझौता, लोगों की आंखें नहीं खुलती यहां पे, लोग झंडा उठा के कंधे पे झंडा रखते और चल देते, मेरा नेता महान, मेरा नेता ये, शर्म आ रही है थोड़ी बहुत, एक तरफ हम बोलते हैं बीजेपी ऐसे कर रही है, किसान नेता क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर दिया, पूरे देश ने आपको वो ताकत दी थी कि आप बड़े से बड़ी सरकार को झुका सकते थे, आपने क्या किया, आपने समझौता किया, समझौता, और उस समझौते का परिणाम आज लोग भुगत रहे हैं, क्या गुजरेगी उनके परिवार वालों पे, जिनके बच्चे मार दिए थे गाड़ी के नीचे, किसी ने सोचा है क्या गुजरी होगी, जो गवाह था उसको पीटा गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाए, फिर आप किस चीज के नेता बने घूम रहे हो, ये बता दो फिर, किस चीज के नेता, आपको याद है संत जी ने एक बार बात बोली थी, आप किसी भी पार्टी में रहो, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, जो पार्टी आपको अच्छी लगती है आप रहो,
लेकिन कम से कम लोगों की भलाई के काम करो। आप किसी भी पार्टी में रहो, लोगों की भलाई के काम करो, इंसानियत के काम करो। वो इंसानियत के काम हो रहे हैं क्या? एक तरफ तो आप बोलते हो हम किसानों के नेता, किसानों के हत्यारे बाहर आके घूम रहे हैं, फिर आप किस चीज के नेता हो? ये सवाल है भाई, क्वेश्चन मार्क का सबसे बड़ा। मंदी सिंह वगिरियाई का जिक्र भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? शर्म आती नहीं होगी आपको थोड़ी बहुत? तो निहंग सिंह ने वो सुरक्षा दी थी आपको, उस टाइम पर आप भागने के लिए तैयार थे वहां से, सबको पता है। जो रोने धोने का ड्रामा चला था ना, वो सबको पता है। अगर ये निहंग सिंह ना होते ना, तो उधर ही कहानी खत्म कर देते इस आंदोलन की। निहंग सिंह ने सुरक्षा प्रदान की थी, और वही निहंग सिंह जब आपको बोल रहे हैं कि आप आइए और यहाँ पे समर्थन दीजिए, क्यों? क्योंकि आपको स्टेज चाहिए, माइक चाहिए, लाखों की भीड़ चाहिए, यही चाहिए ना, यही सब चाहिए। ये सब नहीं मिलेगा वहां पे, मुआली मोर्चे पे नहीं मिलेगा। बोल सकते हो लेकिन वहां पर आपको नेतागिरी नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं जा रही है किसान नेता। इनको चाहिए नेतागिरी, हजारों लाखों चिल्लाए मेरा नेता मेरा फलाना। राकेश टिकैत जी, आपसे सीधा और स्पष्ट सवाल है, आप कौन सा समझौता करके आए थे उस दिन रात को? क्लियर जनता को जवाब दे दो एक बार। कभी आप पंजाब में जा रहे हो, कभी नेपाल में जा रहे हो, अब हरियाणा में पंचायत कर रहे हो, अपने घर में आप फैसला नहीं करवा पा रहे। और एक तरफ आप बोलते हो योग्य जैसा तो सीएम ही नहीं है कोई, यही है वो योग्य आदित्यनाथ आपका सीएम? एक हत्यारे को बाहर, बलात्कारियों को बाहर, फिर उनका स्वागत। बंदी सिंह को गिरी आई के लिए आवाज उठाओ, ये कोई कितने भी किसान नेता, चाहे कोई महापंचायत कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, जब तक इनका क्या करते हो, जैसे वो अंधभगत खेलते हैं बायकाट बायकाट, जब तक इनका बायकाट नहीं किया जाएगा ना, तब तक लिखवा के लेना किसानों का भला हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा किसानों का भला। जब तक आप मुद्दों को नेता नहीं बनाओगे, चेहरों को जब तक नेता बनाओगे ना, तब तक आपका कभी भला होगा भी नहीं, कभी भला नहीं होगा। जिसको बुरी लगती है ना, हजार बार बुरी लगे, मोहाली के अंदर कोई नेता नहीं है, निहंग सिंह बैठे हैं वो, और वो अकाल पुरख की फौज है, सिर्फ अकाल पुरख का आदेश मानते हैं वो फैसला करेंगे। हम नहीं भरोसा भाई हमें किसी नेताओं पर, ना किसी पार्टी के नेताओं पर भरोसा, ना तुम्हारे किसान नेताओं पर भरोसा है, हमें तो कोई भरोसा नहीं है भाई। बोल रहे थे ना कि इनका ये करो वो करो, कौन सा प्रचार करें, कौन सा भले का काम कर दिया इन्होंने, कौन से भले का काम किया है? अब लग जाएंगे कुछ लोग कमेंट करने, इसको अपना नाम चाहिए, मेरे चक्कर में तो देख रहे ना मत दोस्तों, पहले ही बता देता हूं मैं, कहीं मेरे चक्कर में आकर उलझ जाओ तुम, ना तो हमारे को नेतागिरी चाहिए ना कुछ चाहिए। लेकिन जो सच्चाई होगी ना, उसको बोलने से तुम रोक नहीं सकते, सच बोल लेंगे, सच्चाई बोलने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, अधिकार है, ये संविधान ने अधिकार दे रखा है हमारे को सच बोलने का। हम किसी के साथ कोई गाली गलौज या अपशब्द नहीं बोलते, लेकिन जो सच्चाई का आईना है ना, वो दिखाया जाएगा ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये सच्चाई है आपकी, ये है आपके वो नेता, वो महान नेता जिनके तुम झंडे उठा रहे हो, और ये है इनके कारनामे, ये दिखाया जाएगा आपको। किसी को बुरा लगता है, हजार बार बुरा लगे, हरियाणा उत्तर प्रदेश पहुंचते क्यों नहीं भाई मुआली मोर्चे पे, पहुंचो वहां मुआली मोर्चे पे, और बंदी सिंह की रिहाई की आवाज उठाओ, रिहाई की आवाज उठाओ। ये नेता फिर महापंचायत महापंचायत करने लग जाते, मुआली मोर्चे से ध्यान हटाया जा रहा है, ये मुआली मोर्चे पे अपना ध्यान रखिए और वहां पहुंचिए ज्यादा से ज्यादा, उनका सहयोग कीजिए। अकाल पुरख की फौज है, उस फौज का सहयोग कीजिए, वो फौज है ना आपका, आप उसका 2% से योग करोगे ना, वो आपका 200% से योग करेगी, वो अकाल पुरख की फौज, उन पर भरोसा है भाई हमें, निहंग सिंह को पूरा भरोसा है। आप मुआली मोर्चे पे पहुंचिए, बहुत धोखे हो लिए सब, कोई भी नेता आता नेता बनता रो धोखा करके चला जाता है। अभी भी अगर आंखें नहीं खुली, फिर आंखें खुलेंगी भी नहीं भाई, आपके सामने हर चीज स्पष्ट है। यहाँ बलात्कारियों को हत्यारों को रातों रात बेल मिल जाती है, और जो सही बंदे होते हैं उनको रातों रात जेल मिलती है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। देखते हैं आवाज को कितना दबाएंगे, यहां नहीं किसी और चैनल पर वीडियो मिलेगा, किसी और पर नहीं, अपने चैनलों पर डालते रहेंगे, कहां तक रोकोगे? वीडियो को शेयर कर देना, आंखें अगर नहीं खुली है तो आंखें खोल लेना, खोल लेना आंखें, और मुआली मोर्चे पर पहुंचना भाई, ज्यादा ज्यादा मुआली मोर्चे को मजबूत करो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। और यह है हकीकत तुम्हारे किसान नेताओं की, जो दिनों दिन सामने आती जा रही है। एक और भी नेता जो कह रहा है कि सबके केस वापस हो गए, किसी के केस वापस नहीं हुए हैं, तारीख ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही हो, धन्यवाद कदे बीज का हो रहा है, कदे किसी का हो रहा है, आपको बहुत बड़े धोखे में रखा जा रहा है। ये आपको बार बार बता रहे हैं, आपकी आंखें थब खुलेंगी जब और ठोकरे खाओगे। किसी साथी का कोई सवाल है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, फोन को रहने देना भाई, जो मुआली मोर्चे में जाता रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर मैसेज करना, आपकी वहाँ पर व्यवस्था करवाई जाएगी। 9518883630 95188336 इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपकी वहाँ पर पूरी व्यवस्था करवाई जाएगी। और मिलेंगे मुआली मोर्चे पे, मुआली मोर्चे को मजबूत करो भाई, बंदी सिंह गिरी आई चाहिए, हमें हमारे भाई बार चाहिए। वीडियो को शेयर आप करने का काम आपका है, सच्चाई बताने का काम हमारा है।